खुदा की हजूरी को महसूस करें और जाने कि हम यहाँ पर खुदा के नाम से इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। असली अब्दी जलाली खुदा शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदा पाक खुदा, जिसमें हम इकट्ठे होकर तेरी पैदाइश को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अय खुदावंद कुदूस खुदा, इस बात के लिए नहायत शुक्रगुजार हैं, तुझे शुक्रगुजारी का सिजदा करते हैं कि तू हमें इस तरह संभालता है ताकि हम हर हाल तेरी पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सिजदा करते हैं, तुझे अपना माबूद मानते हुए खुदावंद पाक खुदा तेरे हजूर आते हैं। शुक्रगुजारी कर लेता हूँ इन तमाम अजीजों अकारब के लिए खुदावंद पाक खुदा, जिनको तूने सलामती से यहाँ पर पहुंचाया है। अय खुदावंद कुदूस खुदा, इस बात के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं। बाकी मांदा वक्त जो हम यहाँ पर गुजारें तो तेरे पाक नाम के वसीला से यहाँ पर गुजारें, ये जितनी भी रस्मात पेश की हो रही हैं खुदावंद पाक खुदा तेरे हजूर मकबूल ठहरे, और तू खुदावंद पाक खुदा हर एक जान को हर एक बदन को छू लेना और अपनी मर्जी के मुताबिक इन जिंदगियों के अंदर काम करना। खुदावंद कुदूस खुदा, सारे लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ और बिलखसूस खुदावंद पाक खुदा भाई मजीद और उनके बच्चों को तेरे हाथ में देता हूँ, जो हमेशा तेरे तेरे पाक दिन इसको तेरी पैदाइश को खुदावंद पाक खुदा सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं यहाँ पर, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तेरी हजूरी को महसूस करते हुए तेरे पास आते हैं ताकि खुदावंद कुदूस खुदा तू हर तरह से हमें कबूल फरमाए। दुआ को सुन लेना, कबूल कर लेना अपने अजीम मुकद्दस बबरकत और जलाली नाम के वसीला। मसीह खुदावंद में आप सबो की सलामती हो। मुझे किसी की आवाज नहीं आई, सबको सलाम। हम मसीही लोग हैं, हमारी पहचान जो है वो सलाम के साथ है, क्योंकि खुदावंद ने कहा कि मैं अपनी सलामती तुम्हें दिए जाता हूँ। मैं एक दफा एक बाजार में थी तो वहां पे दो तीन मुस्लिम भाई आपस में इकट्ठे थे, तो शायद उनका आपस में झगड़ा हुआ था, तो दूसरे ने उसे कहा कि सलामती तो करना सी, कहता मैं क्यों करा, कहता सलाम जो है वो जुम्मे की नमाज के बराबर है। मतलब वो हर एक को सलाम करना जो है वो अजमत समझते हैं, जरूरी समझते हैं, तो हमारे ऊपर तो फर्ज है, तो हमें भी एक दूसरे को सलामती लेना हम पर लाजिम है। इसलिए अपनी शरीयत की किताब पे जरूर अमल किया करें। कलामे मुकद्दस में लिखा है कि शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान रहे। सो आज हम इस जगह पर अंकल मजीद के वसीला से, उनकी फैमिली के वसीला से इकट्ठे हुए हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ इस खूबसूरत खानदान के लिए जो कि हमारे बीपी के सदर भी हैं, बाबा हदायत भी हमारे बीपी के सदर हैं, और इन बुजुर्गों की वजह से जो है इतनी मोहब्बत इतना प्यार मिला, और आज ये मुझे भी आपकी इस फंक्शन में शामिल होने का मौका दिया गया कि मैं आपके साथ यीशु मसीह के पैदाइश के दिन को सेलिब्रेट कर सकूँ। यीशु मसीह का दुनिया में आने का मकसद जो है वो आप सब जानते हैं कि अमन व सलामती है, तो अमन व सलामती इसी तरह से आएगी कि हमने खुद हमारी कौम पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझती हूँ कि बहुत ही दबाव का शिकार है, और है भी ऐसा। प्रिंसिपल्स थी, नर्सेस थे, कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां थी, एयरपोर्ट पर काम करने वाली पढ़ी लिखी लड़कियां थी, और मैंने वहां पर इस बात को ठान लिया कि मैंने अपनी पढ़ी लिखी कौम को सामने लेकर आना है कि हम सिर्फ मासियों की हद तक नहीं है, हम सिर्फ स्वीपर की हद तक नहीं है, हम लोगों में डॉक्टर्स भी हैं, हम लोगों में प्रिंसिपल्स भी हैं, हम लोगों में टीचर्स भी हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। शऊर मैंने अपने अंदर ये जगाया कि मैंने अपनी पढ़ी लिखी कौम को सामने लेकर आना है, और इसके लिए मैं आप सबका साथ चाहती हूँ। अगर आपके बच्चों ने स्टडी को यहाँ पर स्टॉप कर दिया है तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को स्टडी के लिए उभारे ताकि यहाँ पर स्टॉप ना करें, और अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं लेकिन सामने नहीं है तो इसके लिए भी हमने दौड़ भाग करनी है ताकि हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है वो सामने आए, और हमारा ये मकसद पूरा हो कि अगर हम पाकिस्तान में मसीहत के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी एक अपनी पहचान भी हो। यहाँ पर तालीम की बात की है इस बेटी ने, जब ये पाकिस्तान बना था ना उस वक्त पाकिस्तान के हिस्से में जो मसीही लोग आए थे वो 48% यानी 48% लोग पढ़े लिखे, और जिनके अंदर जो अक्सरियत में लोग थे वो 28% पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन हम अपनी गलतियों की वजह से कि जो खुदा ने हमें फजल बख्शा, जो खुदा ने हमें सलामती बख्शी है, उसको हम अपने ऊपर ले नहीं सके, और वहां से हम 48% से उठे और 4.6% पे आ गए। 4.6% पे आकर
फिर हमने झाड़ू पकड़े, फिर हमने गटरों में अपनी जाने जाया थी। इसलिए खुदा रा अपने ऊपर खुदा का फजल लिया करें, खुदा की सलामती लिया करें, ताकि आप खुदा के फजल के नीचे रहकर, खुदा की सलामती के साथ रहकर अपने आप को बेहतर तौर पर इन लोगों में पेश कर सकें जिनके आप उस्ताद थे पहले, आज उनके गटर साफ करते हैं। स्टेज पे बैठी हुई मेरी प्यारी बेटी सोनिया आशु साहिबा और साथ में बैठे वाले सलीम साहिबा प्रियम फाउंडेशन जनसंख्या पूरे पाकिस्तान में उसका एक नोट की एक होल्डर है भी और आने वाले वक्त में ये खुदा के फजल से प्यारे यीशु की मेहरबानी से अंतिम बनेंगे। और साथ बैठे हुए मेरे प्यारे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे दिल की धड़कन, मेरी मुराद अली जनाब चौधरी मजीद मुगल साहब कोऑर्डिनेटर डीपी 167 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इधर मेरे साथ बैठे बेटे करामत साहब मेरे भाई, जनाब एडवोकेट साहब गोहर साहब, और बाबा जी बाबा हदायत साहब जो सदर है डीपी 167 के, और इनके साथ सारे प्रैक्टिकल और सामाजिक व सियासी कानूनान और कायदे बैठे हैं। मैं सबका नाम लूंगा तो ज्यादा देर हो जाएगी, और साथ ही मेरा बेटा जो आज इस मीटिंग को प्रेजाइड कर रहा है, जो स्टेट सेक्रेटरी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं, मेरी मुराद अली जनाब एडवोकेट राजा मुजीब मुगल साहब, और मेरे प्यारे भाइयों नौजवान बच्चों, मैं सबकी खिदमत में खुदावंद यीशु मसीह के जलाली कदूस और मुबारक नाम में सलाम से, आज से 2000 साल पहले खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए और आकर उन्होंने खदमत की, अपनी कुर्बानी दी, अपने लहू का एक एक कतरा बहाया, निजात के काम को मुकम्मल किया, और उसके बाद फिर वो जिंदा आसमान पर उठाएगी। ये केक हम इसलिए काटते हैं कि मेरा और आपका खुदा यीशु मसीह कल, आज और बल्कि अब तक यकसा भी है और जिंदा भी है। तो जिंदा इंसान के लिए केक काटा जाता है, जो मर जाता है उसकी बर्सी होती है, और बर्सी में क्या छोलिया का पला मिलता है या मुर्गी का पला मिलता है, भाई मुजीद मुगल साहब की सारी फैमिली की तरफ से, मेरी प्यारी बहन की तरफ से, उन बच्चों की तरफ से, और इसके साथ साथ कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और बाजी मरियम नवाज की तरफ से, आप सब मसीह भाइयों को और नौजवानों को क्रिसमस और आने वाले नया साल की खुशियां मुबारक। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस तरीका से पाकिस्तान की सरजमीन पर हम रह रहे हैं, बड़ी अच्छे तरीके से बेटी सोनिया आशर ने और प्यारे भरे भाई मेजर करामत साहब ने ये बता दिया है कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो आपको मोटिवेशन लेक्चर मिल चुका है। मैं ज्यादा इस डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आखिर में यही कहूंगा कि ये जो साल खत्म होने जा रहा है, खुदा करे कि हम नए साल में कदम रखें। किसी को भी ये पता नहीं है कि हमारी जिंदगी का खात्मा कब हो जाए, लेकिन जिंदगी का खात्मा तो हर इंसान का होना है, मगर इससे पेशतर कि हम इस जहां फानी से कूच करें, हम वो काम कर जाएं कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, कौम के लिए बेहतर हो और आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। इसलिए जब हम ये काम करके इस जहां फानी से कूच करेंगे तो दुनिया हमें याद रखेगी और हमारा नाम जिंदा रहेगा। जैसा कि हमारा एक लीडर शहबाज भट्टी है, वो अपनी कौम के लिए 5% कोटा का काम कर गया और उसका नाम आज तक जिंदा है। वो 5% कोटे के साथ साथ सेनेट की सीट का तोहफा हमें दे गया, तो उसका नाम आज तक जिंदा है। वो मर गया लेकिन उसकी बरसी के मौका पर उसका खानदान उसकी बरसी मनाए या ना मनाए, उसके बहन भाई उसकी बरसी मनाए या ना मनाए, लेकिन जो मसीही लोग हैं वो किसी ना किसी जगह पे शहबाज भट्टी की बरसी को मनाते हैं और आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग हम सब के लिए दुआ करें, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो पास्टर्स हैं उनके लिए भी दुआ करें। ये नहीं है कि दुआ सिर्फ पास्टर ही कर सकता है, हम सब भी कर सकते हैं, और हमें चाहिए कि हम अपनी दुआओं में पास्टर्स को, यानी कि रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों को याद रखें, ताकि हमारा मेल मिलाप सबका एक जैसा हो जाए और हमारी आवाज भी एक रहे
ताकि पाकिस्तान के अंदर रहने वाली तमाम अकवाम तमाम मजहब के लोगों से बेहतर हम लोग हैं। और मैं ये हकीकत पर मबनी बात कर रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बताया मेजर साहब ने कि जब पाकिस्तान बना हमारी तादाद पाकिस्तान के अंदर 48% यानी 48% लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग थे। कि आज जो पाकिस्तान के वजीर आजम बनते हैं उनके उस्तादा कराम जो है वो क्रिश्चियन थे। उनको पढ़ाने वाले, उनको समझाने वाले, उनको सीधी राह पे लाने वाले, उनको इंसान बनाने वाले कौन थे? वो हम लोग थे। और हमारे अबाऊ अजदाद हमारे बड़े लोग जो पढ़े लिखे थे उनके उस्तादा कराम थे। उन्होंने ऐसी तालीम दी कि वो मुल्क पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, कोई सदर पाकिस्तान बन गया, कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, कोई जनरल बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, कोई लेक्चरर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया। मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी नस्ल को ये तौफीक ना हुई कि हम अपने लोगों को और ज्यादा पढ़ाएं। मगर जब हमने पढ़ाई को छोड़ा तो हम ही से वो लोग जो हमारे साथ थे वो चले गए दुनिया से। और उसके बाद जो नस्ल आई उन्होंने आके तो पाकिस्तान की गलियों को साफ करना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए वैसे शर्म बात है कि पढ़े लिखे खानदानों से तअल्लुक रखने वाले पढ़ी लिखी कौम की औलाद जो है वो जाके स्वीपर बन गई, वो जाके गटर की सफाई करने वाला बन गया, वो जाके प्लेटफॉर्म के ऊपर सफाई कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद दोबारा पाकिस्तान के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें और हमारी औलाद को ये तौफीक बख्शी कि आज भी वो नस्ल दोबारा चेंज हुई और हमारी बेटियां और बेटे जो है उन्होंने तरक्की की और आज फिर वही रमा दवा समा है। तो आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि एजुकेशन को मत छोड़िएगा, तालीम को मत छोड़िएगा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसने तालीम को आम कर दिया, तालीम को फ्री कर दिया, तालीम को घर घर तक पहुंचाया। मियां शहबाज शरीफ ने गलियों में जाकर, कूचों में जाकर और मोड़ों पे खड़े होके उन्होंने एक ही लेक्चर दिया कि हम तालीम के लिए फीस माफ कर देंगे, हम तालीम के लिए बुक्स बुक दे देंगे। तो ये हमारे लीडर जो है उनके साथ हम मिलकर उनका बाजू बने और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली और उसके अंदर अमन और सलामती को कायम करने के लिए हम ये काम करके दिखाएं। आज 2000 साल पहले मेरा और आपका यीशु, मेरा और आपका निजात दहिंदा इस दुनिया में आया और आज वो जिंदा है तो हम उसका केक भी काटेंगे। थोड़ी देर के बाद ये केक काटने की रस्म होगी और आप लोग केक खाएंगे खुशहाली के साथ। हम उस बादशाह का केक काटने वाले हैं जिसने हमारे लिए अपने ऊपर दुख सहे, जिसने मेरे और आपके लिए अपने मुंह पे थकवाया, जिसने मेरे और आपके लिए अपने सर पे कांटों का ताज रखवाया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि यीशु का नारा जोर से मारे और यीशु को वेलकम करें। यीशु मेरा और आपका लीडर, अच्छा लीडर जो है वो मेरा और आपका लीडर है मेरा खुदावंद यीशु नासरी, जिसने कहा कि राह हक और जिंदगी में, और उसका हर ऐलान, उसकी हर बात, उसका हर लफ्ज, उसका हर वर्ड, उसका देखना, उसका चलना, उसका बैठना, उसका उठना, उसका बोलना, उसका बात करना, वो एक मुबारक चीज है और उससे आसानी कोई नहीं है। इसलिए मैं नारा लगाऊंगा और मेरा जवाब बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय, 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 बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाहों का बादशाह मारेंगे लेकिन यीशु मसीह के लिए। हम अपने प्यारे प्रभु यीशु को वेलकम करते हैं ताकि वो इस अपनी सालगिरह में शरीक हो और अपने हाथों से केक काटे और हम उसके हाथों से काटा हुआ केक को खाए और बरकत हासिल करें और उसके जलाल को जाहिर करें ताकि यीशु मसीह नासरी इस पाकिस्तान की गली गली कूचे कूचे में नजर आए, क्योंकि वो निजात दहिंदा और जिंदा खुदा है और हमारे दिलों में बसा हुआ है, वो हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। आखिर में हम अपनी पार्टी के कायदीन का नारा लगाएंगे, जिनकी मोहब्बत, जिनका प्यार, जिनका इखलास, जिनका करदार हमारे साथ साथ रहता है। मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ,